खबरों में बात करते हैं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील की, जहां पर कश्यप समाज के लोगों ने हजारों की तादाद में किया धरना प्रदर्शन। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता तस्लीम का रुख करते हैं। तस्लीम, कश्यप समाज के लोगों ने किया आज धरना प्रदर्शन, क्या कहेंगे आप इस पर? जी मुशर्रफ जी, मैं आपको बता दूं, जो कश्यप समाज का धरना प्रदर्शन था वो काफी दिनों से चल रहा था और यहाँ पर कोई भी जो धरने प्रदर्शन का असर नजर नहीं आ रहा था। तो 28 तारीख को जो कश्यप समाज के साथ साथ जो 17 अन्य जातियों के लोग थे वो बुढ़ाना तहसील के प्रांगण में पहुंचे और वहाँ जाकर भारी संख्या जुटी। जब भारी संख्या को देख प्रशासन हरकत में आया, शासन हरकत में आया और यहाँ पर बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक मौके पर पहुँचे। और वहीं बता दूं आपको, जो धरने पर लोग थे उनकी हजारों की तादाद थी और वहाँ पर जब देखा कि जो धरना प्रदर्शन है वो उग्र होने वाला है तो प्रशासन ने जो सुरक्षा के इंतजाम थे वो कड़े कर दिए थे। और यहाँ पर बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक मौके पर पहुँचे और मौके पर पहुँच कर आश्वासन दिया जो धरने पर बैठे लोग थे कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। जी तस्लीम, कश्यप समाज का आरोप है कि हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा, इस पर क्या कहेंगे आप? बता दूं आपको मुशर्रफ जी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जो कश्यप समाज का सीधा सीधा आरोप है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी यहाँ पर सरकार जो है वो जाति प्रमाण पत्र लागू नहीं कर रही है और न ही यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है उसकी तरफ से भी कोई मदद मिल पा रही है। और यहाँ पर मैं बता दूं आपको, सीधे सीधे बीजेपी सरकार पर जो कश्यप समाज था लगातार आरोप लगा रहा था कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद भी सरकार हरकत में नहीं आ रही है, लगातार सरकार लापरवाही कर रही है। लेकिन अभी तक भी जो कश्यप समाज है उनके जाति प्रमाण पत्र, जो तमाम जो प्रमाण पत्र हैं वो अभी तक जारी नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, लगातार यहाँ पर जो बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस जो कश्यप समाज के लोग हैं उनका लगातार आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। जी जी तस्लीम, आपके अगर प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई तो वो क्या कुछ कहते नजर आए इस पूरे मामले पर? यहाँ पर जब धरना प्रदर्शन हो रहा था कश्यप समाज के साथ साथ जो 17 अन्य जातियों के लोग थे और यहाँ पर जो कश्यप समाज का जो धरना प्रदर्शन था वो राजनीतिक अखाड़ा बना, क्योंकि यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों के नेता पहुँचे। बीजेपी से जो स्थानीय विधायक उमेश मलिक हैं वो पहुँचे और बता दूँ आपको, यहाँ पर जो रालोद के पूर्व मंत्री हैं वो पहुँचे, जो युवराज सिंह वो पूर्व मंत्री रहे हैं वो मौके पर पहुँचे और सपा से पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुधाकर कश्यप और जो बता दूँ आपको यहाँ पर जो सपा से प्रमोद त्यागी आदि नेता मौजूद रहे। यहाँ पर पूरे दिन जो कश्यप समाज का धरना प्रदर्शन था वो लगातार राजनीति का अखाड़ा बना रहा। और बता दूं आपको, यहाँ पर जब धरने की तादाद बढ़ी और उग्र होता देखा तो मौके पर मुजफ्फरनगर से एडीएम बुढ़ाना पहुँचे और उन्होंने जो कश्यप समाज था उनको आश्वासन दिया कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण जाति प्रमाण पत्र अलाउ नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है जिसके कारण यहाँ पर समस्या आ रही है, जैसे ही टेक्निकल फॉल्ट हमारा दूर होगा तो उसके बाद जाति प्रमाण पत्र जो है वो लागू कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो प्रशासन का कहना था ये भी था कि अभी जो आसपास के जिले हैं वहाँ पर भी अभी तक जाति प्रमाण पत्र नहीं लागू हुए हैं, कोई भी प्रमाण पत्र अभी वहाँ पर लागू नहीं हुआ है आसपास के जिलों में भी, लेकिन कश्यप समाज सीधे सीधे इसे खारिज कर रहा था सीधे सीधे। जी शुक्रिया तस्लीम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।